फ्रेंड्स दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित की प्रकृति यानी सीटेट यानी टेट में पूछा जाता है क्वेश्चन गणित एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले बताते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है यानी गणित की प्रकृति क्या है। सबसे पहले ऑप्शन ए बोल रहा है यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों बता दें कि इसका आपको दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ये तार्किक है यानी जो गणित होता है यह सोचने समझने के विषय होते हैं। और क्वेश्चन नंबर दो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब किसने कहा था कि गणित वह विज्ञान है जिसमें निष्कर्ष अवश्य निकलते हैं, कुछ या कुछ निष्कर्ष अवश्य निकलते हैं, तो वो आपको कहे थे बेंजामिन पेरिक में कहे थे। ठीक है दोस्तों बेंजामिन पेरिक ने कहे थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन कर रहा है गणित सभी विषयों का सिर द्वार वह कुंजी है, यह बात किसने कही थी। यह बात रोजर्स बेकर ने कही थी, बेकर ने कही थी। और क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित का नियम और निष्कर्ष क्या क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक, एक और दो दोनों आपका आंसर हो जाएगा एक और दोनों। यानी गणित का विषय वस्तुनिष्ठ यानी जो भी पढ़ है ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होती है और सार्वभौमिक मतलब सभी चीज पर लागू होने वाला चीज ही है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर छह कह रहा है विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है वह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। पहला कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आंसर इसका हो जाएगा क्या, अवबोधन। अवबोधन अवबोधन गणित विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है अवबोधन के द्वारा या बोध के द्वारा। कहता है गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क की भाषा। इसे कहा जाता है मस्तिष्क की भाषा कहता है। क्वेश्चन अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है योजना एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है इसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की युग परिभाषा किसने दी थी। आपको हो जाएगा ऑप्शन सर वन किल पैट्रिक्स ने ये बात कही थी। और क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर अगला बोले सात नंबर क्वेश्चन वह उद्देश्य जो शिक्षक वह उद्देश्य जो शिक्षक करे वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेते हैं उसे कहा जाता है क्या कहता है शैक्षिक उद्देश्य कहा जाता है। जैसे शैक्षिक उद्देश्य यानी कहते हैं सांस्कृतिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य दोनों ही समाज में यानी न्यास पोष को लोग शैक्षिक देख कर ही कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्य जो होता है वो हमेशा शिक्षक के द्वारा ही दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन यह वास्तव है कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं यानी गणित को बहुत से छात्र जो है कठिन समझते हैं। अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपयुक्त दृष्टि में से किसने ये बात सबसे पहले कही थी। ऑप्शन ए बोल रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन दो बोल रहा है माध्यमिक मुदालियर आयोग का, ऑप्शन सी बोल रहा है शिक्षा नीति 1986 का, ऑप्शन चार राधा कृष्ण का। तो आपको आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा नीति 1946 में कहा गया है। शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि
सभी बच्चों को गणित। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? शारीरिक विषय में आक्रमकता, गणित की भाषा असंकेतित है, गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक मूर्त विषय है। तो आपको कह सकते हैं कि गणित एक रसहीन विषय है, गणित एक अमूर्त विषय है, गणित एक अमूर्त विषय है। ठीक है दोस्तों, गणित एक अमूर्त विषय है, आपको कह सकते हैं गणित एक अमूर्त विषय है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्ति का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति न हो। तो ऑप्शन नंबर 11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 11 हो जाएगा 4, आनंद की प्राप्ति न हो गणित शिक्षण में, गणित शिक्षण में आनंद की प्राप्ति न हो। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्णन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? तो आपको ये बता दें, कथन है डटन का, ये कथन डटन साहब का है, ये कथन डटन महोदय का है, डटन महोदय का है। अगला क्वेश्चन पर है कि व्यवहारिक गणित का भाग है, व्यवहारिक गणित का भाग किसका भाग है? व्यवहारिक गणित किसका भाग है? ऑप्शन ए बोल रहा है, संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ या बाकी करना, जोड़ या बाकी करना, समीकरण को हल करना, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। आपको आंसर हो जाएगा, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना होता है। आंसर नंबर क्वेश्चन आंसर 4 हो जाएगा, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 कह रहा है क्वेश्चन, गणित माप परिमाण तथा दिशा का डॉट डॉट है, क्या है? समाज है, समूह है, समाज है, समूह है, यानी क्वेश्चन भेजेगा विज्ञान है। गणित है जो मापन परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, क्वेश्चन 15 बोल रहा है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण है, क्या गुण है? मूर्त होना, असंकेतित होना, रसहीन होना, अक्रमक होना। आपका हो जाएगा मूर्त होना एक गुण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्नलिखित में से किसका गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, गणित पढ़ते आत्मविश्वास, सही तो सही बना रहे, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर रहना, और तार्किक सोच, यानी कि खुद को सोचता है। हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन 17 बोल रहा है, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित के किस प्रकृति की ओर इंगित करती है? आपका हो जाएगा ये तार्किक, हमेशा विचार करने के लिए होता है। क्वेश्चन 18 देखते हैं, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। आपका हो जाएगा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना है गणित का मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, एलसीएम 2005 बल देता है, किस चीज पर बल देता है? रटने पर, करके सीखने पर, या हमेशा करके सीखने ही पर ही बल देता है? और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, करें एक शिक्षक आकार पर जाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाता है, क्योंकि ऐसे ऐसा सिद्धांतिया पर दिख रहा है, आकार किसी भी वस्तु कला का अभिन्न हिस्सा होता है, और इस तरह से भ्रमण सभी
विषयों को आपसी संबंधों को बढ़ाता है। ठीक है।